तो मेरा नाम कुशल कुमार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी डिजायर के बिल्कुल टॉप वेरिएंट के बारे में, जो कि ZXi प्लस वेरिएंट रहने वाला है। मैंने आपको उस कार का लोअर वेरिएंट दिखाई दिया था जो कि ZXi वेरिएंट था। उसमें कुछ ऐसे फीचर्स थे जो कि आपको जरूरत के हैं, जो कि आपको ZXi वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। जो LUVs के डिजाइन था ZXi वेरिएंट में, वो भी इतना अच्छा नहीं मिलता था। इसमें आपको मशीन LUVs मिल जाएंगे जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। 72,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस है ZXi वेरिएंट और ZXi प्लस वेरिएंट में। फीचर्स में क्या क्या डिफरेंस रहेगा वो एक एक करके सभी हम देखने वाले हैं। कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी रहता है, सब कुछ आपको आइडिया हो जाएगा वीडियो के एंड तक। तो चलिए फिर चाहेगा तो मैं इस कार की से तो उस तरह की आपको उस कार में की मिल जाएगी। कीलेस एंट्री रहने वाली है इस कार में, जिस पर आपको लॉक अनलॉक का मिल जाएगा। कार की बूट को लॉक करने के लिए दोनों की सेम रहती है। यहाँ पर आपको ब्लू कलर मिल जाता है, सुजुकी का हो गया लोगो। और ये इस कार की फ्रंट प्रोफाइल, फ्रंट में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं और LED DRS जो कि ऑन होने के बाद बिल्कुल गजब लगती है देखने में। और ये रही ग्रिल इस कार की, साइड में क्रोम हो गया, बीच में हो गया सुजुकी का लोगो। फोग लैंप्स मिल जाते हैं आपको उसके टॉप मॉडल में, साइड में होगी क्रोम। फिर ओवरऑल कुछ तरह की लगेगी इस कार की फ्रंट प्रोफाइल। और ये रही साइड प्रोफाइल इस कार की, इन LUVs की वजह से देखने में काफ़ी गजब लगती है कार साइड से देखने में। मशीन्ड LUVs मिल जाएंगे आपको इस कार में जो कि 15 इंच के रहने वाले हैं। 185/65 R15 की प्रोफाइल रहेगी। और ये रहा इस कार का ORM जो कि आपको बॉडी कलर का मिल जाता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल। इंडिकेटर भी आपको इसी पर ही मिल जाएगा, ए पिलर हो गया बॉडी कलर का। और ये रहे डोर हैंडल जो कि आपको बॉडी कलर के मिल जाते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर बटन मिल जाएगा, विंडो क्रोम गार्निश हो गई यहाँ पर। ये रहा इस कार का इंटीरियर जो कि डुअल कलर में रहेगा, ब्लैक एंड बीच कॉम्बिनेशन में वुडन फिनिश हो गई। एक एक करके सभी फीचर्स को हम देख लेंगे क्या क्या ऑफर करे जाने वाले हैं आपको इस कार के इंटीरियर में। और फ्यूलिड हो गया इसके को ड्राइवर साइड, फिर ये कंबाइन लुक बैक और साइड प्रोफाइल की। बेस मॉडल से आपको LED टेल लाइट मिल जाती है। फिर आप इस कार को बैक से देखते हैं तो कुछ आपको ऐसा डिफरेंस नहीं लगता है। आप इसके लोअर वेंट की साइड से आ रहे हैं, बस आपको उसमें डेयर डिफोगर मिल जाएगा जो कि आपको ZXi वेंट से ही ऑफर हो जाता है। ऊपर की साइड हो गया एंटेना, रेयर डिफोगर हो गया, स्टॉप लैम्प हो गया यहाँ पर। और ये इसकी LED टेल लाइट, इंडिकेटर और बैक लाइट में हो गया यहाँ पर बल्ब। डिज़ायर की बैजिंग हो गई, क्रोम लाइन मिल जाती है आपको यहाँ पर। सुजुकी का हो गया यहाँ पर लोगो। 4 पार्किंग सेंसर्स रहते हैं बैक में। अब चलिए फिर मैं आपको इस कार का बूट दिखा दूँ, फिर कितना स्पेस आपको ऑफर करा जाने वाला है इसके बूट में। वैसे तो कितना बूट स्पेस रहता है इस कार में, काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस है। और ये रहा स्पेयर व्हील, एक प्रोफाइल छोटी रहने वाली है, 14 इंच का रहता है। और टॉप मॉडल होने के बाद भी आपको यहाँ पर कोई भी कवरिंग नहीं मिलती है। अगर आप वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट देखते हैं तो BXi वेरिएंट इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। लेकिन अगर आपको उसमें फीचर्स की कमी लगती है, जैसे LUVs आपको उसमें नहीं मिलेंगे, काफी फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको BXi वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। BXi वेरिएंट में तो आपको सिर्फ बेसिक फीचर्स ही मिलेंगे। जिन बंदों को आफ्टर मार्केट काम नहीं करवाना वो तो सिर्फ उनके लिए है वो वाला वेरिएंट। लेकिन अगर आपको टॉप नॉच फीचर्स ही पसंद है तो फिर आपको ZXi प्लस वेरिएंट इसका पसंद आने वाला है। BXi वेरिएंट जो कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, वो जो इसका टॉप मॉडल ZXi प्लस वेरिएंट है, इन दोनों वेरिएंट में 1,40,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस है। तो फिर देख लेंगे बढ़ती रहेंगे 1,40,000 रुपीज। तो ये तो बात है इस कार के एक्सटीरियर के बारे में। जैसे आपने देखो कितने फीचर्स आपको इस कार के एक्सटीरियर में मिल जाते हैं, जैसे मशीन LUVs मिल जाएंगे आपको, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRL हो गया, रेयर पार्किंग कैमरा, ऑटो फोल्डिंग आउटसाइड मिरर्स हो गए, ऑटो हेडलैम्प्स। कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको ZXi वेरिएंट में नहीं मिलते एक्सटीरियर से। और फिर कंपेयर करता हूँ BXi वेरिएंट से, तो फिर इसमें आपको फोग लैम्प्स मिल जाएंगे, रेयर डिफोगर हो गया, ये फीचर तो आपको BXi वेरिएंट में भी नहीं मिलते हैं। तो इस कार में आपको 1200cc का इंजन मिल जाता है जो कि प्रोड्यूस करता है 88 BHP की पावर, 113 Nm का टोर, 4 सिलेंडर में रहेगी कार। तो चलिए मैं आपको सर का इंटीरियर दिखा दूँ, फिर क्या क्या ऑफर करा जाने वाला है इस कार के इंटीरियर में। और ये इंटीरियर इस कार का, जैसा जो डुअल कलर में रहेगा इंटीरियर जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। और यहाँ पर आपको वुडन फिनिशिंग मिल जाती है, उसी तरह जो इस कार का डोर है वो भी आपको डुअल कलर का मिल जाएगा, वुडन फिनिश भी यहाँ पर मिल जाती है। और डोर ओपनर हो गया क्रोम कलर का, चारों पावर विंडो कंट्रोल्स हो गए, ड्राइवर साइड आपको ऑटो अप डाउन पावर विंडो मिल जाती है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है इस कार की ORBMs, कुछ तरह के आपको यहाँ पर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक के लिए बटन हो गया, वाटर बोर्ड के लिए स्पेस है, डॉक्यूमेंट रखने स्पेस और स्पीकर। फिर बाहर से देखने में उस तरह का लगेगा डैशबोर्ड इस कार का। ये रही ड्राइवर साइड सीट, ड्राइवर सीट में इनको क्या फीचर और रिक्लाइन करने का, और फ्यूलिड को ओपन करने के लिए, कार की बूट को लॉक करने के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है ऑप्शन। रियर इस कार का बैक डोर, डोर ओपनर हो गया क्रोम कलर का, पावर विंडो कंट्रोल हो गए, वाटर बोर्ड के लिए स्पेस है, डॉक्यूमेंट रखने स्पेस और स्पीकर। तो भी कुछ तरह का रहने वाले इंटीरियर इस कार का, सभी फीचर्स को हम देखने वाले हैं क्या क्या फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर में ऑफर करे गए हैं।
लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है आपको, सुजुकी का हो गया लोगो, सर्कुलर मार्क क्रोम मिल जाएगा, स्टीयरिंग मॉडल कंट्रोल्स और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी आपको इस कार में दिए जाते हैं। तो ये रहा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जैसे आप देखते हैं यहाँ पर आपको आरपीएम मीटर मिल जाएगा और ये रहा स्पीडोमीटर, ये दोनों आपको एनालॉग मिल जाएंगे। यहाँ पर हो गया टेम्परेचर के लिए और ये रहा फ्यूल के लिए, और कुछ आपको यहाँ पर अलर्ट लाइट्स मिल जाएगी, बीच में कुछ ने सैच की होगी एमआईडी जिसमें इसके फ्यूल का कितना चलेगा, कार क्या माइलेज दे रही है, रेंज जैसी चीजें आपको उसमें दिखाती रहेगी। और ये ड्राइवर साइड एसी वेंट, इंजन असिस्ट स्टॉप बटन हो गया, ट्रैक्शन ऑफ के लिए बटन, और ये रहा सेंटर कंसोल इस कार का, एसी वेंट्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पर, हजार लाइट हो गया बटन। और ये रहा सेंटर कंसोल इस कार का, 7 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ रहेगा जो कि दिखने में काफी बढ़िया लगता है। वायरलेस नहीं मिलता है आपको उसमें, वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दिया जाता है। साइड में होगी पियानो ब्लैक फिनिश, और ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाएगी आपको यहाँ पर, कुछ तरह कंट्रोल्स रहेंगे। 12 वोल्ट का हो गया पावर सॉकेट, यूएसबी एंड ऑक्स पोर्ट के लिए थोड़ा स्पेस हो गया, कप होल्डर्स, 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन में रहने वाली है कार, कुछ तरह का आपको नोब मिल जाएगा। साइड में होगी सेलोफिनिश, ग्रैब हैंडल हो गया, और ये रहा ड्राइवर साइड सनवाइजर, वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, सेफ्टी कट होल्डर मिल जाएगा। और ये रहा आईआरबीएम जिसमें आपको डे नाइट एडजस्टमेंट मिल जाएगी मैनुअली, कैबिन लैंप है हैलोजन में, और ये रहा को ड्राइवर साइड सनवाइजर, वैनिटी मिरर हो गया, ग्रैब हैंडल, कुछ तरह की फ्रंट सीट्स रहेंगी इस कार में जिनमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और ये रहा को ड्राइवर साइड डोर ओपन हो गया क्रोम कलर का, पावर विंडो कंट्रोल हो गए, वुडन फिनिश दी गई है साइड में, बार्डोले स्पेस है, डॉक्यूमेंट रखने स्पेस और स्पीकर। और मैं आपको सर ग्लव बॉक्स दिखा दूँ कितने साइज का रहेगा इस कार में ग्लव बॉक्स, तो ओवर कुछ अगर फ्रंट सीट पर बैठ कर जो फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं वो तो मैंने आपको दिखाई दिए हैं। अब लेके चलता हूँ उस कार की रेयर सीट पर, वहाँ पर आपको इतना स्पेस मिल जाएगा ड्राइवर सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद। मेरी हाइट 6 फीट है, तो वह कुछ सही रहने वाली है इस कार की रेयर सीट। रेयर में भी आपको स्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, फ्रंट में भी स्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। आर्म रेस्ट हो गया यहाँ पर, रेयर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, और रेयर सीट पर भी आपको लेग रूम बढ़िया मिल जाएगा, कम्फर्ट बिल्कुल रहने वाला है इस कार में, काफी कम्फर्टेबल कार है, अंदर था सपोर्ट गजब है इस कार का। और यहाँ पर आपको रेयर एसी वेंट्स मिल जाएंगे, और यहाँ पर आपको कुछ इन साइज का दिया गया हम्प, और ये रहा बैक डोर इस कार का, तो भी ओवरऑल कुछ तरह लगता है कैबिन। और यहाँ पर आपको कैबिन लैंप मिल जाएगा रियर सीट पर भी, जिस वजह से ब्राइटनेस बनी रहेगी पूरे कैबिन में। ये रहा ग्रैब हैंडल, तो ऐसा भी कुछ तरह था इस कार का बैकग्राउंड, जो फीचर्स आपको इस कार के इंटीरियर और एक्सटीरियर मिल जाते हैं वो आपको सभी दिखाती है। जैसे आप देखा फीचर्स की तो कोई भी कमी नहीं रहने वाली, अगर आप इस कार का बिल्कुल टॉप मॉडल लेते हैं, एलईडी आरएस हो, एलईडी प्रोजेक्टर है, डैम्स हो, फोग लैंप्स हो, और एलओवीज का भी डिजाइन देखने बिल्कुल गजब लगता है। 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा आपको इस कार में, वैसे 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट तो आपको उसके जेडएक्स वेरिएंट से मिलना स्टार्ट हो जाता है। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल एसी, इंटीरियर आपको क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। अगर आपके वाले फीचर्स वर्थ इट लगते हैं तो आप इसके जेडएक्स प्लस वेरिएंट के साथ जा सकते हैं। आपको इस कार के ओवर वेरिएंट की वीडियो देखनी है, किसी और कार का बैकग्राउंड देखना है, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।